माशाल्लाह। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। रेनी शॉवर्स बाहर में आई थी, अभी बहुत देर से बारिश हो रही थी, थोड़ी सी रुक गई है। ये देखें, व्यू देखें कितना प्यारा आ रहा है। और यहाँ पर देखें ये बादल जो हैं, ये किस तरह झूम रहे हैं। और अभी थोड़ी बारीक बारीक सी बूंदें हो रही। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, गाड़ियाँ दोनों बाहर भीग रही हैं, हमें मौका ही नहीं मिला कि हम कवर करें। और इधर देखें, मैंने इस वाले स्नेक प्लांट को थोड़ा सा ना इसके ऊपर रख दिया, ये भी रेन वाटर में खुश हो जाए। देखें इसको पानी मिलेगा ना, रेन वाटर बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। यहाँ आ जाएं जनाब, और इधर देखें ये कितने अच्छे निखर गए हैं मेरे पौधे। और ये देखें क्यारियों में पानी खड़ा हो गया है। ये जो बेल ऊपर जा रही है कितनी अच्छी लग रही है। और ये वाली जो बेल माली ने कल छत तक बांधी थी, देख रहे हैं आप, ये कल थोड़ी सी ना ये कुमला गई थी, ड्रूप हो गई है। देखें उसको छेड़छाड़ किया ना, लेकिन ये अच्छी ग्रो करेगी। और इधर देखें व्यू, यहाँ पे एक और घर बनना शुरू हो गया, वो देखें ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है। और अभी तक नालायक लोगों ने स्ट्रीट लाइट्स बंद ही नहीं की। तो ये था एक बारिश का व्यू, सामने भी घर बनना शुरू हो गया, इनके लंटर डले। हाँ, मैंने इस बैम्बू पाम को बाहर रख दिया है, इसे भी थोड़ी सी बाहर की हवा लगनी चाहिए, ठीक है जी। और ये इधर जो है ना, अब इस मनी प्लांट को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है कि इसके लीव्स ड्रॉप हो गए हैं। आई कंसर्न समबडी, मैं किसी से कंसल्ट करती हूँ कि इसका क्या इलाज। ये देखिए मेरे अंदर किचन का स्पाइडर प्लांट, जब से मैंने इसे यहाँ रखा है ना, इट हैज़ टर्न्ड बेटर। ये ज़्यादा पानी भी नहीं मांगता और ज़्यादा सनशाइन भी इसके लिए अच्छी नहीं होती। और यहाँ पर बहुत सेफ है ये, क्योंकि इसको इधर सामने खिड़की से यहाँ से इनडायरेक्ट सनशाइन। सबका 2 o'clock हो चुके हैं, तो अभी मैंने जोर की नमाज भी पढ़नी है और खाने की तैयारी भी करनी है झटपट से। ऑयल गर्म कर दिया, इसमें थोड़े से डालेंगे अनियन, तो मेरी हर पर सुबह सुबह सब्जियाँ बना जाती है, तो इसको करेंगे फ्राई। थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। ये मेरे पास कुछ मटन था, ये मसाले में टेंडर होके मैंने इसको रखा हुआ था, और मैं इसको रीयूज़ कर रही हूँ। तो ये आप कुछ तरीका देखें कि सब्जियों को रिफ्रेश करके या जो चीज़ फ्रोजन है आप उसे कितना रीयूज़ कर। थोड़ा सा डाल देंगे ज़ीरा, और एक मैंने चिली भी डाल दी है जो रेड हो रही थी। और इसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है मीट ये तो पका हुआ है ना, अपने थोड़े से चने ऐड करने, काले चने तो मेरे हस्बैंड से चीज़ें नहीं खाते मटन, तो मैं ये अपने लिए कर रही हूँ, काले चने पूरी बना लें। मटन डाल दिया जनाब, भुनाई हो रही है। और यहाँ पर जा रहा है थोड़ा सा टमाटर, इसके बाद हम इसमें मटन ऐड कर देंगे जो कि हमारा ऑलमोस्ट गला हुआ। ये देखें हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, इसे मैंने ये मटन जो था हमारा जो पहले से मसाले में गला हुआ है मैंने मिक्स कर दिए। इसमें थोड़ी सी नई अरोमा आ जाएगी, और फिर एंड में इसमें हम चने मिक्स करते हैं, थोड़ा सा इसको कवर करते हैं ज़रा जब तक कि पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए इतने से मैंने ब्लैक चने भी इसमें डाल दिए, थोड़ा सा इसका सूप भी डाला, क्योंकि सारी न्यूट्रिशन तो सूप में होती है, और बाकी ये पड़े हुए हैं हल्दी खुद ही बना। जी खाना ऑलमोस्ट तैयार है, थोड़ा सा इसमें जा रहा है गर्म मसाला, और आप बिलीव करें ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है इसमें। तो एक अच्छा आइडिया था कि जब भी आपका खाना बच जाए आप उसे फ्रीज़ कर दें। अब इसमें आलू डालें, चिकन मटन में कोई सब्जी डालें, दाल डालें, या इसे वैसे ही खा लें, तो ये कितना अच्छा आइडिया। ये देखें ये मैंने थोड़े से राइस गर्म किए हैं, और इन थोड़े से राइस के ऊपर मैं यहाँ पर डाल दूँगी ये ग्रेवी। ये देखें इसमें चने भी हैं थोड़े थोड़े से, ठीक है जी। और ये मेरा बन गया खाना, ये देखें ये मैं खा लूँ। देखिए मैंने आपको 2 o'clock पर टाइम दिखाया था, हाउ क्विकली आई हैव मेड दिस। और इसमें इस वक्त हो रहे हैं 40 मिनट्स, 35-40, और मीन वाइल मैंने नमाज भी पढ़ ली है माशाल्लाह से, और कपड़े भी इधर उधर शफल कर दिया जो बारिश में हो गए। तो इस तरह हम क्विकली वी कैन मैनेज द थिंग्स व्हेन वी आर शॉर्ट इन टाइम। अब मेरे स्टूडेंट्स आते ही होंगे विद इन हाफ एन आवर। व्यूअर्स, तो मैं खा रही हूँ खाना, ये था मेरा सडन ब्लॉग, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन बारिश में मैंने सोचा कि मैं कुछ कर ही लूँ, क्योंकि यू आर लाइक माई फैमिली, दो आई मिस वन आई डोंट डू समथिंग। तो खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें, टेक केयर, बाय बाय।